हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाई आपका नाम? सालिम भाई। शेख शिनान। शिनान भाई आप हमेशा अलग कलर में रहते हो, यहाँ पर कलरफुल रहते हो। हाँ सलीम भाई, क्या करें, अपना टेस्ट ही कुछ ऐसा है। हीरा गोल्ड के आप इन्वेस्टर? इन्वेस्टर हो भाई, इन्वेस्टर। हमेशा आपका कलर अलग रहता है, आज छोटे साहब को भी लेके आए हो साथ में। क्या नाम है बेटा? शेख मोहम्मद अरशान। अच्छा, यहाँ का क्या, कौन सा कोर्ट है ये? हाई कोर्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। डैडी ने जबरदस्ती लाए? नहीं जी। बोलो सलीम, क्या बोल रहे हैं सलीम? आजकल तुम भी बहुत सुर्खियों में हो। सलीम भाई हम क्या सुर्खियों में भाई, लोग बना देते हैं, हमारी क्या हैसियत है? इज्जत का देने वाला जिल्लत का देने वाला तो अल्लाह सुब्हान ताला है। आप कौन से ग्रुप के हो? क्योंकि यहाँ पे भी नहीं भाई, ऐसा कोई ग्रुप ग्रुप नहीं भाई, मैं तो भाई एसोसिएशन का जिम्मेदार आदमी हूँ, पूना एसोसिएशन का। और मेरा पर्सनल इंडिविजुअल स्टैंड ये है कि भाई देखो, जो भी है, जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो नहीं सपोर्ट कर रहे, सबका अपना अपना दिमाग है। अभी जैसे कि सऊद भाई ने क्या, उनका अपना दिमाग के हिसाब से। मेरा इंटेंशन क्या भाई, किसी को भला बुरा मत बोलो भाई, जितना भला बुरा बोलोगे। अभी देखो, अभी तुम बोल रहे क्या, मतलब ये शहबाज खान हो गए या यूनुस सैयद हो गया, MIM हो गए, तो मेरा माइंड से हिसाब से बोल रहा हूँ। आदमी को बोलने का हक है, कोई बात, सब अपने अपने हिसाब से। अभी चलो, वो जो कर रहे हैं, उन लोग को लग रहा है वो सही कर रहे हैं। सऊद भाई का नाम नहीं, सऊद भाई इधर घूम गए थे जरा, मतलब उनका जो इंटेंशन, उनका जो दिमाग है सऊद भाई का, मतलब वो हिसाब से बोल रहा हूँ। सब अपनी दिमाग सही नहीं, मतलब सब अपने अपने सोच, अपने अपने थॉट के हिसाब से कर रहे हैं वो, उनकी थॉट। हाँ, अभी मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर तुम चलो आपा अंदर है, अभी जैसे कि कोई उनके खिलाफ है, तुम उसको गाली दोगे तो वो क्या करेगा, पीछे से और तकलीफ देगा, पीछे से रिएक्शन करेगा, सामने से तो खुल के आएगा नहीं, उसको प्रूफ नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये कि किसी को भी भला बुरा बोलोगे तो मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अच्छा बैठ कर टेबल पे बात करो तो टेबल पे भी बात नहीं हो पा रही है, तो इससे अच्छा सलीम भाई ये मामला बढ़ता जा रहा है, खाली उलझता जा रहा है। अभी देखो ना, डेट पे डेट, डेट पे डेट, अच्छा डेट तो ऐसा मिल रही है कि जैसे कि 20 महीना तो एक दो डेट में ही खत्म हो जाता है। लोग जो बाहर सफ़र करें उनके बारे में सोचो, पैसा कैसा देगी। अभी जैसे नौरा शकापा बोल रही है कि वो मैं आके ही दूंगी, तो देखो कैसा है, मैं बात बोलता हूँ, ये चीज़ तो कशमकश चल रही है ना, चीज़ कशमकश को ख़त्म करो, देंगी नहीं देगी, देगी नहीं देगी, 1.5 साल से यही कहानी चल रही है। कौन खत्म करेगा ये? वो तो अभी जो भी है भाई, जो चल रहा है जन है, नौरा शेख या कोर्ट। हाँ वही बात है, कहने नौरा शेख तो कह रही है कि मैं दे दूंगी, और कोर्ट जो है अपने हिसाब से एवरी चल रही है, तो फिर कौन फैसला करेगा? अभी कहने का मतलब मैं ये सारे इन्वेस्टर से कहूँगा, देखो कैसा होता है, चाहे लोगों को बात मेरी भली लगे या बुरी लगे सलीम भाई, 100% इन्वेस्टमेंट, 99% जैसे लोग बोल रहे हैं कि मतलब ये पैसा देगी आपका सपोर्ट में, 1% लोग बोल रहे हैं देगी। ये कशमकश कब खत्म होगी, जब 100% इन्वेस्टमेंट बोलो कि ये पैसा देगी? नहीं वो तो बाकी कोर्ट में। हाँ नहीं नहीं, कहने का मतलब ये कि अगर 100% इन्वेस्टर बोलो कि ये पैसा देगी, या 100% इन्वेस्टर ये बोलो कि ये पैसा नहीं देगी, तब बात खुला सामना आएगा मामला, क्या पैसा देंगी क्या नहीं देगी करके। तो यानी अभी तक भरोसा नहीं है कि पैसा मिलेगा? भरोसा नहीं है, तभी तो लोग 1% लोग अभी तक का कंप्लेंट में अपनी बात पे अड़े हुए, हम कोर्ट से पैसा ले। तादाद देखी जाती है ना, कुछ तो लोग रहते हैं, तो वही तो समझना चाहिए ना, अभी वकीलों को भी देखना चाहिए। अब ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि जिन्होंने 1.5 साल से केस किया वो वापस ले लेंगे और आपा का आने का इंतजार करें। एक्शन नहीं, अगर लेना रहता तो लोग काफ़ी पहले ही ले लेते थे, लेना रहता तो भाई केस ले भी तो नहीं सकते ना, केस वापस ले भी नहीं सकते। हमारा अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है, लेकिन अभी लेंगे भी नहीं, अभी कुछ सबकी ऐसा एफिडेविट डाल सकते हैं, हमारा समझौता हो गया है और ऐसा कर सकते हैं। चलिए मैं, सबकी अपनी अपनी थॉट्स रहती है, सब अपने अपने दिमाग से चलते हैं कि भाई अपना ऐसा है, मेरा वैसा है। अब मेरा थॉट क्या है भाई, मेरा क्या, किसी से झगड़ा लफड़ा नहीं करना भाई, किसी को भला बुरा मत बोलो, वो कंप्लेंट किए वो उनकी मर्जी, हम नहीं किए, हम सब्र कर रहे हैं, अल्लाह ताला दोनों का देख रहा है कौन सही है। जॉब पे जॉब मत दो, जॉब पे जॉब मत दो, मैटर दो, बहस मत करो। वो तुमको बुरा बोल रहा, मैं तुमको बुरा, उससे क्या हो रहा, खाली पर्सनल दुश्मनियाँ हो रही है। हीरा का मामला 1-2 साल में खत्म हो जाएगा, बहुत बहुत पैसा मिला नहीं मिला वो बात की बात है, वो तो अल्लाह को मालूम, नौरा शेख आपा को मालूम क्या देगी नहीं देगी, वो अलग चीज़ है। ये दुश्मनियाँ लोगों, क्या आपको उम्मीद है मिलेगी? अब अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, जो भी देने वाला तो अल्लाह ताला ही अल्लाह दिलाएगा। इंसान की क्या हैसियत होती है क्या पैसा दे दे, उम्मीद लगा के रखता है ना आदमी की, तो है ना भाई, उम्मीद के ऊपर तो दुनिया कायम है। क्या लगता है आपको, कोर्ट से मिलेगा कि यहाँ से मिलेगा नौरा शेख? ऐसा है, नौरा शेख आपा जो है कंपनी की मालकिन है। अब ये जो कंप्लेनर्स जो बोलते हैं कि हम कोर्ट से पैसा लेंगे और इनकी प्रॉपर्टी लिक्विड करेगी, प्रॉपर्टी तब तक लिक्विड नहीं होगी सलीम भाई जब तक कंपनी की मालकिन नहीं बोलेंगे कि मैं पैसा देने के काबिल नहीं हूँ, तब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा कि भाई इनकी प्रॉपर्टी लिक्विड करो, पैसा बांटो। लास्ट केस लास्ट में तो यहाँ पर कह दिया था ना कि भाई हमारी, हम लोग आपकी प्रॉपर्टी ये कर दो और हमारे से बैंक के पैसे सीज कर दो, आप इनके वकील नहीं कहा? हाँ वो कहा था अभी उन्होंने, लेकिन कहने का मतलब क्या कहते, कोर्ट ने बोला ठीक है चलो प्रोसीडिंग चालू कर दो, जब आप 34 करोड़ रुपये देने को तैयार हो, जो सब पैसे देने को तैयार हो, तो प्रॉपर्टी ये कर दो। बराबर है सलीम भाई, लेकिन अभी उसके ऊपर भी तो काम, चलो बोल भी दिया आपने क्या, चलो लगता है ना ऐसा वक्त लगता है, मामूली लॉन्ग पीरियड है सलीम, आपको भी नॉलेज है ज़्यादा, आप तो न्यूज़ चैनल वाले, आपको तो प्रेस वाले, आप ये सब चीज़ में कितना लंबा प्रोसीजर था, आप कुछ सोचो। इससे अच्छा उसको एक देखो, सुप्रीम कोर्ट से कोई अच्छी राय मिल जाए
अभी देखते हैं अल्लाह इंशाल्लाह डिपेंड रखता है भाई अल्लाह ताला, तो दुआ करते रहने से अच्छा भाई, लॉयर को भी थोड़ा काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी जो गए ये जैसी महाराष्ट्र में, मेरे ख्याल से उसी टाइम को उनको वहाँ चले जाना चाहिए था कि यहाँ का एक महीना वेस्ट नहीं होता कि भाई वो ये अलग है, यहाँ का केस अलग चलते रहता। और जहाँ तक मेरे को नॉलेज है उनको पहले ही जो हैदराबाद की टीम है वो थोड़ा लेट हो गई है सुप्रीम कोर्ट अप्रोच, थोड़ा डीले हो गई, बिल्कुल थोड़ा डीले हो भाई। ये तेलंगाना हाईकोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, ये सब जगह लागू हो जाए ऐसा अगर इनका था, मगर इनके वकील हैं वो चलते रहते हैं भाई। मैं आपसे एक इजाज़त लेनी थी, बोलिए ना सलीम भाई। मेरा हेडिंग रहेगा कि क्या बोलते हीरा गोल्ड के कलरफुल रंगीन तो नहीं, क्योंकि आदमी नहीं कबूल है भाई, हमारा बहुत दिल है क्योंकि आपको हम हर डेट में अलग अलग रंग बिरंगी कपड़ों में देखते हैं, रंग बिरंगी चश्मे में देखते हैं, तो हमारा ऐसा रहेगा हीरा गोल्ड इन्वेस्टर, हीरा रंगीन इन्वेस्टर तो नहीं, हीरा कलरफुल इन्वेस्टर के बयान ऐसा लगे। जो भी रखना रख लो सलीम भाई, चलेगा भाई, अपने को कोई नाराजगी नहीं। शुक्रिया, जिसमें आप कुछ उसमें हम कुछ। मैं यही इन्वेस्टर से कहूँगा कि ये इंडिया यहाँ पे अंधा कानून है, हमारे पास सिवाय सफर का कोई और रास्ता है ही नहीं है, ये कोर्ट है, ये इंडियन कोर्ट है, यहाँ पे और सिवाय तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यहाँ कानून तो है नहीं, ये इंडिया है, कुछ नहीं सिवाय सबर के कुछ नहीं है। अभी तो जुडिशरी जिंदा है मेरा भाई, चल रहा है ठीक है। अगर मैटर में एक सिस्टम लेट होता है, सिस्टम है, सिस्टम को वक्त लगता है। इंडिया का सिस्टम क्या सिस्टम है, इंडिया का ये कोई सिस्टम है? आप कहाँ के हो? मैं भी इंडिया से हूँ। अच्छा, लगा आप बाहर से हो। मैं भी लेकिन मैं जिंदगी कतर में। फ़ोन किया था मुझे, बात किए थे? नहीं किया था आपको। कतर से बहुत लोगों का फ़ोन आता है इन्वेस्टर्स के, मेरे पास आपका नंबर नहीं है, तो कतर में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसले जल्दी हो जाती है, यहाँ पे तो ऐसा ही नहीं। मेरा नेक्स्ट मेरा अपना भी एक केस चल रहा है, मैंने सिर्फ अपने एक केस में एक साल लग गया सिर्फ मुझे हेयरिंग के लिए, एक पहली डेट पे हेयरिंग हुआ एक साल के बाद। तो इंडिया है, यहाँ अंधा कानून चलता है, यहाँ कोई कानून नहीं है। मैं और आपसे बात करता मगर आज जरा एक्सक्लूसिव स्पेशल हमारे कलरफुल बात बात फिर कभी ले लेंगे, क्योंकि आज हमारे ये जो एपिसोड है ये अलग से चलेगा, हीरा गोल्ड के कलरफुल इन्वेस्टर। ठीक है, ठीक है शीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया गली से बात करने।